नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रविवार को सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सोनिया गांधी ने पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। आपको बता दें, सोनिया गांधी ने रविवार को कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 3 कृषि कानूनों, कोविड-19 महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था की हालत और दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार के मामलों पर सरकार पर तीखा हमला बोला। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। साथियों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आप सभी महासचिवों, प्रभारियों और कार्य समिति के सदस्यों को भी जिनको दी गई नई जिम्मेदारियों की शुभकामनाएं देती हूँ। देश के लिए लगातार संघर्ष करना ही कांग्रेस संगठन का लक्ष्य रहा। आज भी पूरे समर्थन से देश की सेवा की हमारे संगठन का मूल मंत्र है। आप सभी साथियों को जो जिम्मेदारी दी गई उसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि आज देश का लोकतंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। देश में पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कौन सा राजधर्म है? मगर देश पर आए इन चुनौतियों का सामना करने का नाम ही कांग्रेस संगठन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अनुभवी साथी इस कठिन समय में कठोर मेहनत करके देश पर आए इस संकट का मुकाबला करेंगे और मोदी भाजपा सरकार के इन लोकतंत्र और देश विरोधी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे मालूम है, जैसे कि वीनु गोपाल जी ने जिक्र किया, हमारे कई साथी कोविड से पीड़ित हैं। मैं कामना करती हूं कि उन सभी लोगों को जल्दी से स्वास्थ्य लाभ मिले और मैं उम्मीद करती हूं कि अन्य साथी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी सावधानी रखेंगे। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं। जय हिंद। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा, हरित क्रांति से मिले फायदों को खत्म करने की साजिश रची गई है। करोड़ों खेतीहर मजदूरों, बटाईदारों, पट्टेदारों, छोटे और सीमांत किसानों, छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर हमला हुआ है। इस षड्यंत्र को मिलकर विफल करना हमारा कर्तव्य है। सोनिया गांधी ने दावा किया कि संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं पर सोचा समझा हमला किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ऐसी सरकार है जो देश के नागरिकों के अधिकारों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। आपको बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस में सांगठनिक स्तर पर बड़े फेरबदल के बाद सोनिया गांधी ने पहली बार महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।